हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैबिंगना। मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, बट कैन यू सी अ ग्लो इन माय फेस? माय फेस इज ग्लोइंग बिकॉज जस्ट नाउ आई डिड अ फेशियल यूजिंग ओनली एलोवेरा जेल एंड अलॉन्ग विद इट सम अदर इंग्रेडिएंट्स जो आपको घर में ही मिलेगी, किचन में मिल जाएगी। एंड यस, मैंने एसेंशियल ऑयल यूज़ किया है, बट दैट इज़ नॉट एन एसेंशियल थिंग। यू कैन अवॉइड दैट इफ़ यू डोंट हैव एसेंशियल ऑयल विथ यू। ऑल्सो मैंने अपना थ्रेडिंग किया है, नहीं मैंने थ्रेड से नहीं किया है, मैंने सिंपल हेयर रिमूवर किट यूज़ किया है। एंड इस तरह से ग्रूमिंग किट ना आपको 200-300 में अमेज़न में मिल जाएगी। जब लॉकडाउन ऑफ हो जाएगी तो आप ले सकते हो। अगर आपके पास कोई शेविंग है, लेडी शेविंग है, तो वो उससे भी आप कर सकते हो। तो मैंने अपना आईब्रोज बनाया है एंड यहाँ से भी मैंने हेयर रिमूव किया है। सब कुछ मैंने किया है जो पार्लर्स में करते हैं लड़कियाँ। एंड क्योंकि लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, बट आई वॉन्टेड टू लुक गुड, सो आई डिड दिस। एंड आई थॉट वाई नॉट शूट अ वीडियो वाइल डूइंग दिस। आप लोगों के साथ बात भी हो जाएगा। एंड आई नो माई वीडियोज़ आर नॉट रेगुलर बिकॉज मेंटली मैं बहुत टेंशन में हूँ। माई हस्बैंड इज़ वर्किंग आउटसाइड इंडिया एंड ही इज़ विजिटिंग लाइक every country due to his work. Like he is in merchant navy and चाहे दुनिया में कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, ट्रेडिंग बंद नहीं होनी चाहिए। एंड दीज आर द गाइज, दीज आर द सेलर्स हु कीप ऑन सेलिंग, यू नो। नाउ ट्रेडिंग इज़ नॉट पॉसिबल फॉर विद एनी अदर कंट्री लाइक थ्रू एयर एंड थ्रू लैंड, लेकिन पानी अभी भी चल रहा है, यू नो। सो the sailors are doing their work and my husband is a sailor and he's in merchant navy, so he's working and he cannot come back home right now. So thoda sa tension hai, he's visiting like so many countries which are already affected. I'm not going to take the name. To isliye videos kuch irregular ho gaya hai and but I'm trying to put the videos as much as possible. To chaliye dekh lete hain ki kis tarah se maine apna facial kiya hai. देख लिया किस तरह से मैंने अपना पूरा फेशियल हेयर रिमूव कर लिया एंड आप देख सकते हो अभी ये क्लीन है। लेकिन अब क्वारंटाइन पीरियड है, खुल जाएगा भी तो मैं पार्लर नहीं जाऊंगी एंड जो पार्लर की लड़की आती है उसको भी मैं नहीं बुलाऊंगी। तो फिलहाल तो मैं इस तरह से ही करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है कि सोचा है कि आप लोगों को हेल्प हो जाए। तो चलिए अब फेशियल करती हूँ एंड एलोवेरा जेल से करती हूँ। क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग, क्लीनिंग, स्क्रबिंग, सब कुछ एलोवेरा जेल से कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये फेशियल करने के लिए आपको चाहिए एलोवेरा जेल, कोई भी कंपनी का लीजिए। मेरे पास पतंजलि है सौंदर्य एलोवेरा जेल, मैंने इसी को लिया है। एंड इससे हम सबसे पहले अपना फेस क्लीनिंग करेंगे एंड एलोवेरा जेल को मिल्क पाउडर के साथ मिला के हम अपना क्लेंजर बनाएंगे। तो चलिए वो हम पहले बना लेते हैं। मिल्क इज़ वेरी गुड टू क्लीन योर फेस एंड सभी स्किन टोन वाले इसको लगा सकते हैं अपने फेस में। अब हम इसको फेस में लगाएंगे एंड वी विल बी क्लीन आवर फेस विद दिस। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फेशियल। तो इस तरह से मैं अपने पूरे फेस में लगा रही हूँ टू क्लीन माई फेस एंड ऑल्सो माई नेक एरिया। वैसे क्योंकि मिल्क है तो आप अपने लिप्स के ऊपर भी इसको ना अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से मिल्क लेकर, मैंने मिल्क पाउडर लिया है, आप कच्चा मिल्क भी ले सकते हो। अंडर आई एरिया सभी जगह पे इस तरह से मसाज कीजिए एंड जितना भी आपका ये डर्ट है ना, ये सब बाहर आ जाएगा। तो अब इसको हम धो डालेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ स्क्रब। तो ये है कॉफ़ी पाउडर, नॉर्मल जो कॉफ़ी पाउडर है वो। अगर कॉफ़ी पाउडर नहीं है तो आप चीनी भी ले सकते हो थोड़ा सा ग्राइंड करके। तो इस कॉफ़ी पाउडर के साथ हम फिर से एलोवेरा जेल को मिक्स करेंगे एंड आई एम गोइंग टू टेक दिस वन, दिस लैवेंडर एसेंशियल ऑयल। ये पिंपल के लिए बहुत अच्छा है एंड
एंटी एजिंग भी है, तो इसलिए लैवेंडर ऑयल मैं ले रही हूँ। मार्क्स भी हटाने में हेल्प करती है। अगर आपके पास लैवेंडर ऑयल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको मिक्स करते हैं। इस तरह से मैंने स्क्रब को मुंह में लगा लिया है एंड नाउ आई विल बी स्क्रबिंग माय फेस। लाइक आई से, लैवेंडर इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन। ये आपकी जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो होल्ड करने में हेल्प करती है। सो दिस हैज़ एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़। इट विल रिमूव योर यू नो डार्क स्पॉट्स एंड एक्नी मार्क्स। इवन इट विल कंट्रोल योर एक्नी प्रॉब्लम ऑल्सो। ऑल्सो इट विल हेल्प टू ब्राइटन अप योर स्किन। एंड कॉफ़ी तो एंटी ऑक्सीडेंट है, कॉफ़ी तो बहुत ही अच्छा है, आपको तो पता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता रही हूँ, कॉफ़ी इज़ अगेन गुड फॉर योर स्किन। एंड एलोवेरा जेल इज़ अगेन वेरी मॉइस्चराइजिंग एंड वेरी गुड फॉर योर स्किन। तो ये तीनों मिला के काम कर रहा है आपकी स्किन के ऊपर। स्क्रबिंग हो गया है, सो लेट्स वॉश इट ऑफ। वाली हूँ अपने लिए एक फेशियल क्रीम। इसके लिए चाहिए एलोवेरा जेल, दही और कुछ नहीं, बस ये दो ही मुझे चाहिए। दही मैंने इसलिए लिया है, दही इज़ अगेन गुड फॉर योर स्किन, क्योंकि इसमें प्रोटीन है, इसमें कैल्शियम है, विटामिन डी है जो आपकी स्किन के लिए अच्छा है। स्किन में मॉइस्चर ऐड करती है, स्किन में इलास्टिसिटी अगेन होल्ड करती है, तो आपकी जो एजिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। टैनिंग अगर हो जाए तो वो भी सॉल्व होती है। एक्ने की प्रॉब्लम्स के लिए भी ये अच्छा है। तो ये दही है एंड एलोवेरा जेल अगेन इज़ वेरी गुड। सो लेट्स मिक्स दिस टू एंड मेक आवर फेशियल क्रीम। मेरा मसाज क्रीम तैयार हो गया है एंड इसे मैं लगा रही हूँ एंड मसाज करने वाली हूँ। मसाज कम से कम 5 से 6 मिनट तक कीजिए। अभी धो लिया है फेस, अब मैं पैक बनाने वाली हूँ। तो ये है टमाटर, टमाटर की पल्प, ये देखिए यहाँ इसे मैंने लिया है। एंड इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ फिर से एलोवेरा जेल एंड दिस इज़ रोज़ एसेंशियल ऑयल, एरोमा मैजिक की है। मैंने इसका रिव्यू अपने, अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो कर रहे हो तो आपको पता चलेगा ये कैसा है, क्यों मैं इसको ऐड कर रही हूँ। फिर भी मैं कह देती हूँ, रोज़ ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर एक्ने, फॉर योर मार्क्स, फॉर योर इम्प्रूविंग योर स्किन टोन। तो इन तीनों चीज़ों को मैं बस मिक्स कर रही हूँ एंड इसको मैं लगाऊंगी। अब इस पैक को मैं बस अप्लाई करने वाली हूँ। घर में अगर एलोवेरा प्लांट है तो बहुत ही अच्छा है, तो आप एलोवेरा प्लांट से जेल निकाल के भी कर सकते हो ये फेशियल। एंड ये ना सब स्किन के लिए अच्छा है, सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, तो सभी स्किन टोन के लिए अच्छा है। एंड मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ये अगर आप यू नो 2-3 महीने से कर रहे हो तो आपके स्किन के बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जैसे कि टैनिंग की प्रॉब्लम्स, अनइवन स्किन टोन, कोई मार्क्स है, ब्लेमिश मार्क्स है, एक्ने मार्क्स है, फिर आपकी स्किन की जो ग्लो चली गई है, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है वो भी सॉफ्ट हो जाएगी, अगर बहुत ज़्यादा ऑयली है तो ऑयल कंट्रोल हो जाएगी। अब आप पूछोगे, आप ये सब कह रहे हो, खुद तो देखो इतने सारे एक्नेस है। मेरे एक्नेस आते हैं फिर जाते हैं, एंड मेरे एक्नेस जब भी आते हैं तो मैं स्पेशल केयर लेती हूँ, लेकिन अब यूट्यूब शुरू करने के बाद एक्ने थोड़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि मैं प्रोडक्ट्स ट्राई करती हूँ, नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, नए नए यू नो कॉस्मेटिक्स खरीद रही हूँ जो ब्रांड्स में पहले कभी नहीं यूज़ किया है। सो दिस हैज़ एन इफेक्ट ऑन योर फेस, और
मेकअप हर रोज़ लगाना पड़ता है। कभी मैं यूट्यूब के लिए शूट कर रही हूँ तो कभी इंस्टाग्राम के लिए कर रही हूँ, तो इस वजह से क्या होता है, थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। लेकिन क्योंकि मैं अपनी स्किन को अच्छी तरह से मेंटेन करती हूँ, आई डू टेक केयर ऑफ माई स्किन, सो इसलिए इस वजह से मेरे हाल ये है, आप देख रहे हो जो स्किन में। एंड पीरियड्स आते वक्त मुझे एक्नीज आते हैं, एंड यस मंथली वो चालू तो होता ही है, वो जब रहता है तो थोड़ा बहुत एक्नी आते जाता है, तो दिस इज़ द रीज़न। बट आई एम टेलिंग यू गाइस दैट इफ़ यू फॉलो दिस स्टेप्स, इफ़ यू डू दिस फेशियल एट होम, देन आपको बेनिफिट मिलेगी। एंड बहुत से लोग ऐसे यूट्यूब में करते हैं, यू नो, ये करो वो करो, 7 दिन में 5 दिन में इफ़ेक्ट ये हो जाएगा, आप 7 दिन में या 5 दिन में या 2 दिन में अफेयर हो जाओगे। ऐसा मुझे नहीं लगता है, कोई भी चीज़ इतना आसान नहीं है। कोई भी चीज़ आप करो, मन से लग करो, दिल से करो, एंड उसको एक रेजिम में डालो, तभी उसका फल मिलेगा। इफ़ यू कीप ऑन डूइंग दिस फेशियल फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स ट्वाइस अ मंथ, यानी कि 6 बार ये फेशियल आप करोगे, तो डेफिनेटली आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। मैं कमेंट सेशन में पढ़ना चाहूँगी कि आपने ये फेशियल ट्राई किया है कि नहीं, आप में कोई इम्प्रूवमेंट आया है कि नहीं, या फिर आपको ये फेशियल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, घटिया लगता है, वो भी आप कह सकते हो। सो आई एम नॉट कीपिंग माई कमेंट सेक्शन ऑफ, मैं कभी भी कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं रखती। बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिनके मैं देखती हूँ, इतने नाम हो गए हैं, लाइक मोर देन मिलियंस दे हैव व्यूअर्स, एंड येट दे कीप द कमेंट सेक्शन ऑफ व्हेन दे डू एनी DIY फेशियल और DIY ट्रीटमेंट, एंड वो लोग दावा कहते हैं कि 2 दिन में आपका ये हो जाएगा, 3 दिन में ये हो जाएगा, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं कभी भी ऑफ नहीं करती हूँ। सो एनीवे, अगर आपको फल मिलता है, अगर आपको अच्छा लगता है ये फेशियल करने के बाद, देन प्लीज़ डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट्स, अगर आपको लगता है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत छोटे हैं एंड आई वॉन्ट द पीपल टू गेट द बेनिफिट्स, एंड ये आप लोग सहायता कर सकते हो, यू कैन हेल्प मी टू रीच टू दोज पीपल। तो मैं नहीं कह रही हूँ कि आप सब लोग मुझे सब्सक्राइब करो, अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप सब्सक्राइब करोगे, बट ट्राई टू शेयर माई वीडियो, ताकि बाकी के जो दोस्त हैं जो घर में अभी मतलब बैठे हैं एंड सोच रहे कि पार्लर नहीं जा सकती हूँ, फेस को कैसे क्लीन करूँ, तो क्या करूँ ना करूँ, उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ शेयर माई वीडियो, ताकि उन लोगों को भी पता चले। एंड या 5 मिनट्स 6 मिनट्स इसको आप रखेंगे, एंड अगर आप कोई ऑयल यूज़ कर रहे हो, लाइक एनी एसेंशियल ऑयल, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप से ज़्यादा पहले मत यूज़ करो, फर्स्ट यू हैव टू सी वेदर इट्स इट्स एप्लीकेबल फॉर योर फेस और नॉट, ये आपके फेस में लिए अच्छा है कि नहीं। एंड रोज़ ऑयल लगाओ कि लेवेंडर ऑयल लगाओ, थोड़ा सा टिंगलिंग मुझे होती है, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। मैं इन ऑयल्स को ना मैं 1-1.5 महीने से ज़्यादा अप्लाई कर रही हूँ, एंड आई नो दे आर रियली गुड फॉर माई स्किन। सो यस, ये तो पूरी तरह से ड्राई नहीं होगी क्योंकि इसमें जेल है, एंड 5-6 मिनट तक रखने के बाद मैं इसको वाइप अप करने वाली हूँ, एंड देन आई एम गोइंग टू मीट यू गाइस अगेन। तो अभी देखो मैंने फेस को वॉश कर लिया है, कोई भी मेकअप नहीं है, यू कैन सी हाउ माई फेस इज ग्लोइंग एंड ब्राइट, यहाँ तक यहाँ पे कोई ब्लैक हेड्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सो यू कैन सी माई नेक एरिया ऑल्सो, ओके। एंड मैं नेचुरल लाइट में ही शूट कर रही हूँ, तो आफ्टर योर फेशियल यू नीड टू अप्लाई सम मॉइस्चराइजर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने एलोवेरा जेल से सब कुछ किया है तो एंडिंग भी इसी से करती हूँ, और बेचारा नहीं तो सैड हो जाएगा, चलो मुझे सभी स्टेप्स में तुमने यूज़ किया एंड एंड में मुझे जाके मुझे कहा कि चल बेटा तू जा अभी तेरा काम हो गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है नहीं। तो इस एलोवेरा से ही मैं अपना फेशियल को कंप्लीट करती हूँ, इसी को मैं लगाती हूँ एज अ जेल, एंड यू ऑल नो एलोवेरा जेल इज़ वेरी गुड, इट कीप्स योर स्किन स्मूथ सॉफ्ट एंड रेडियंट हाइड्रेटेड मॉइस्चर्ड सब कुछ। यस, नाउ माई फेशियल इज कम्प्लीट। डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, एंड शेयर माई वीडियोज अगर आपको लगता है, एंड घंटी बजाना मत भूलिएगा, दैट
नोटिफिकेशन बटन को ऑन प्लीज़ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा कि मैं कब वीडियो डालने वाली हूँ। एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इंस्टाग्राम की, प्लीज़ वहाँ पे भी फॉलो करो। वहाँ पे मैं स्किन केयर की जो रिव्यूज़ करती हूँ वो मैं यूट्यूब में नहीं करती हूँ, यूट्यूब के लिए अलग है एंड इंस्टाग्राम के लिए अलग है। सो यस गाइज, आई विल मीट यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।